हेलो गाइस, आज हम आपको फरियाली नमकीन बनाकर दिखाएंगे बिना मशीन से। जैसे आपके पास मशीन ना हो तो आप कैसे बनाओगे वो तरीका हम आपको बता रहे हैं। पहले इसको अच्छे से छील लेंगे। आलू को हमने से छील लिया है, अब आप इसको कट करके दिखाएंगे। इस तरह से पतली पतली कट करेंगे। पहले चिप्स तैयार करनी है, फिर आलू को अलग से कट करके दिखाएंगे। देखिए गाइस, सभी चिप्स को अच्छे से हमने कट कर लिया है। अब इसको कैसे आपको पतली पतली चिप्स नमकीन निकालनी है आपको कट करके दिखाएंगे। इसको पानी में ही कट करेंगे इस तरह से। देखिए गाइस, आप अगर आपके पास मशीन ना हो तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। इस तरह से आप घर पर नमकीन चिप्स बना सकते हो। कितना पतला कट रहा है देख सकते हो आप। देखिए गाइस, सबको कितना अच्छा पतला पतला कट कर लिया है। अब इनको चार पानी से धोएंगे जब तक पानी साफ ना निकला है। इसका स्टार्च निकालना है हमको। साफ पानी ले लिया है, दूसरे पानी में फिर डालेंगे इनको हम। इस तरह से मसल मसल कर धोए, सारा इसका जो अंदर का गाढ़ापन होता है वो बाहर निकालना है। देखिए गाइस, अब तीसरा पानी डाल रहे हैं, बिल्कुल साफ पानी आ रहा है। इस तरह से तीन चार पानी से अच्छे से धोकर बाहर निकाल लेंगे। इस तरह आप कपड़ा ले ले, इस पर सारी चिप्स को अच्छे से डाल देंगे। कपड़े से पोछे इसको, सारा पानी निकाल लेना है। देखिए गाइस, सारा पानी हमने निकाल लिया है, कितनी सूख चुकी है ये। अब इनको फ्राई करेंगे। देखिए कितना अच्छे सूख चुका है, इसका पानी बिल्कुल ही सुखा लिया है। प्लेट में रख रहे हैं हम। गैस पर कढ़ाई को रख दिया है, इसके सूखने के बाद इसमें तेल डालेंगे। गैस पर तेल चढ़ा दिया है, अच्छा गर्म करेंगे फिर तलेंगे। एक कटोरी मूंगफली के दाने ले लिए, इनको भी हम अच्छे से तलेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें डाल देंगे सभी चीज़ों को नमकीन वाली। देखिए हमारा नमकीन अच्छे से फ्राई हो चुका है, बाहर निकाल लेंगे इसको। अब दूसरी वाली नमकीन चिप्सों को भी डाल देंगे, इनको भी अच्छे से तल लेंगे। तलाते हुए पकाना है, इसे कड़क करना है, इसको तब तक पकाना है। गैस को मीडियम रखना है। देखिए गाइस, हमने चिप्स को तल लिया, हम मूंगफली के दाने को भी तल लेंगे। नहीं डालना, इस तरह से चलने में फ्राई करना है। इसी में फ्राई कर लेंगे। इसमें कड़ी पत्ते हमने डाल दिए, उसको भी फ्राई कर लेंगे। कड़ी पत्ते और बीजे हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, प्लेट में डाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा फरियाली नमकीन अच्छे से तल चुके हैं। हम आपको तोड़ कर दिखाते हैं कितना क्रिस्पी बने हुए हैं, आप देख सकते हो। आप इसी तरीके से बनाइए। अब इसमें हम सेंधा नमक ऐड करेंगे, आप चाहो तो देसी नमक ऐड कर सकते हो। तो कर देंगे नमक डालकर, पीसी हुई शक्कर ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको मिर्ची वाला खाना है तो मिर्ची ऐड कर सकते हो, शक्कर ना डालें। हमने बनाया है और इस तरह से बनाई, बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। देखिए गाइस, हमारी फरियाली नमकीन बनके तैयार हो गई है। अब हम इसे एक बाउल में सर्व करेंगे। आप चाहो तो इसे स्टोर करके भी रख सकते हो। अगर आपको हमें फरियाली नमकीन बनाने की रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। ये गाइस, हमने पहले आपको मीठा वाला बनाकर दिखाया था, हम आपको जिरका वाला बनाकर दिखाएंगे। इसकी भी सेम प्रोसेसिंग करनी है हमें। मूंगफली के दाने को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमने सभी आलू चिप्स को कढ़ाई में डाल दिया है। ऊपर से हम इसमें कड़ी पत्ते भी ऐड कर देंगे, ये भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। इसी के साथ इस मीडियम आंच पर ही फ्राई करना है सभी चिप्स को। अब गाइस, हम सभी आलू चिप्स को बाहर निकाल लेंगे। ऐसे पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें मिर्ची ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची ऐड कर सकते हो। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, आप चाहो तो सेंधा नमक भी ऐड कर सकते हो, सादा नमक भी ऐड कर सकते हो। अब हम इसमें पानी पूरी मसाला ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें एक चुटकी मसाला ऐड करेंगे, इससे खाने में अच्छा टेस्ट आता है। जी गाइस, हमारा चिरका वाला भी फरियाली नमकीन बनके तैयार हो गया है। हमने आपको दोनों तरह के नमकीन बनाकर दिखाए हैं। अगर आपको हमारे फरियाली नमकीन बनाने की रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।